हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम प्लाजो की मोहरी पर ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की लंबाई का और 1.5 इंच की चौड़ाई का ऐसा पेपर का टुकड़ा काट लिया है। अब हमें यहाँ पर हाफ सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 30 इंच की लंबाई की और 2 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की बुकरम की पट्टी काट ली है। उसे हमें बीच में से फोल्ड करना है। अपना हाफ सर्कल वाला डिज़ाइन इस तरीके से यहाँ पर रखना है और उसे ड्रॉ कर लेना है और उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी पेस्टिंग हम अपने फैब्रिक में कर लेंगे। फैब्रिक में यहाँ पर हम इस तरीके से 1/2 इंच की मार्जिन की पट्टी छोड़ देंगे। उसे हमें बुकरम पर इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमें प्लाजो की मोहरी पर नीचे से 3.5 इंच का मार्जिन छोड़ देना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें अपने बुकरम वाली सीधी साइड को और अपनी प्लाजो की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम करने के बाद और यहाँ पर कट लगाने के बाद अब हम अपने बुकरम को सीधी तरफ पलट देंगे। अब हम अपनी प्लाजो की मोहरी की उल्टी तरफ यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने प्लाजो का ब्यूटीफुल डिज़ाइन तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने इस ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पर जाके उसे भी देख सकते हैं।